हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबकी चहेती अदिति शुक्ला। कैसे हो आप सब? सो गाइस, अभी बच्चों की चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियां एंड अभी हम कहीं गए नहीं हैं। ना मैं अपने घर जा पाई हूँ, ना हम कहीं अभी घूमने गए। हमारा घूमने का प्लान है बट वो कुछ दिनों के बाद है। वो आपको मेरे ब्लॉग्स में पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। सो बच्चे दिन भर घर पे ही रहते हैं तो आपको पता है बच्चे कितने डिमांडिंग होते हैं, स्पेशली खाने पीने में। मतलब मेरे बच्चे तो हैं स्पेशली खाने पीने में डिमांडिंग बहुत ज़्यादा। तो आज मेरी आद्या की ये डिमांड आई थी खाने की कि उसे खाना था लिट्टी एंड चोखा, जो कि आद्या को बहुत पसंद है। एंड आद्या क्यों क्यों मुझे, कपिल को, हम सबको बहुत पसंद है। तो वो आज मेरे से सुबह बोलने लगी कि मुझे लिट्टी चोखा खाना है। तो मैंने कहा चलो लिट्टी चोखा बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं लिट्टी चोखा घर में ही कैसे बनाती हूँ, वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए मैं आपके साथ पूरी रेसिपी आज शेयर करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये टमाटर की चटनी से। एक्चुअली लिट्टी चोखा एंड मैं दाल एंड ये टमाटर की चटनी, सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो ये टमाटर की चटनी लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है लिट्टी के साथ। तो इसलिए इसके लिए हमने 6-7 टमाटर ले लिए हैं एंड उन पर हमने हल्का हल्का कट लगा दिया है, हल्का सा नमक डाल दिया एंड लिटिल बिट सरसों का तेल। तो इसको हम पहले चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए, जो कि सिर्फ हमें इसमें एक सीटी देनी है। तो अभी इसे हम चढ़ा देते हैं। तो ये हो गया डन। तो हमारी एक चीज हो गया एंड वैसे तो बैगन एंड आलू का चोखा हम बेसिकली भून के ही बनाते हैं, बट इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं लिए 2 घंटे बैगन और आलू भूनती रहूं। तो इसीलिए आज मैं इंस्टेंट चोखा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये बैगन आलू कट कर लिए हैं एंड इन्हें भी हम प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे, हल्का सा नमक एंड लिटिल बिट सरसों का तेल डाल के, जो कि जल्दी से हमारा काम भी हो जाएगा एंड मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। तो चलिए इसे भी हम कुकर में चढ़ा देते हैं। ये कुकर मैं लिट्टी के लिए यूज करूंगी। और इसमें आलू एंड बैगन के साथ मैं चिली लहसुन भी ऐड कर रही हूँ एंड लिटिल बिट सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं। और इसे भी हम रख देंगे इधर बॉईल होने के लिए। तो चलिए जब तक हमारे टमाटर एंड आलू बैगन बॉईल हो रहे हैं, हम लगा लेते हैं लिट्टी के लिए फटाफट से अच्छा सा आटा। तो चलिए मैं उसे भी दिखाती हूँ कि मैं लिट्टी के आटे में क्या क्या यूज करूंगी। सो अभी हमने बाटी के लिए आटा ले लिया। इसमें मैंने 4 कप लिए हैं गेहूं का आटा, 2 कप मक्के का आटा एंड 4 चम्मच सूजी, बहुत थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच नमक एंड 1 चम्मच करीब घी ले लिया है। अब इसका हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एंड बहुत ही अच्छा सा टाइट सा एक डो लगा लेंगे। चलिए मैं डो लगाना स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि डो कैसा हमारा लगना चाहिए। ये हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि, सॉरी थोड़ा गिर गया, उसे इग्नोर कर दीजिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका हम अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। ये मैंने एक अच्छा सा टाइट सा डो लगा दिया है एंड इसे अभी हम रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के। और ये देखिए हमारे कुकर में सीटी भी आ गई है जो कि मुझे बोलने में डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ, तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक ये आधे घंटे में सो ले, जग ले, इसे जो करना है कर ले। तो इसे हम कर देंगे कवर। सो अभी हमारे टमाटर एंड आलू बैगन दोनों चीज़ें बॉईल हो गई, मैंने गैस बंद कर दिया था एंड इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है। तो चेक करते हैं एंड ये देखिए हमारे टमाटर काफ़ी अच्छे से हो गए हैं, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया, आपको तो दिख रहा है या नहीं? रुकिए अभी मैं प्लेट में खाली करके दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट मैं ये सब चीज़ें खाली कर लेती हूँ, उसका एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन कर देती हूँ, फिर मैं कैसे बनाऊंगी टमाटर की चटनी एंड आलू बैगन का चोखा मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने अरहर की दाल, जो कि पहले से मैंने सोक कर दिया था आधा घंटा पहले, इसको भी हम सिंपल हल्दी एंड नमक डाल के बना लेंगे, क्योंकि कौन सा वो दाल बाटी चूरमा, तो चूरमा की जगह हम खाएंगे चोखा। ठीक है, तो हम कर देते हैं गैस ऑन। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
लगा देंगे ढक्कन। बस जब तक हमारी दाल होती है अंदर, हमारे टमाटर और आलू बैगन ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ रेस्ट, जैसे कि वो आटा मेरा रेस्ट कर रहा है। सो अभी मैंने ये वाला कुकर मैं यूज़ कर रही हूँ लिट्टी बनाने के लिए, तो मैंने ये गैस ऑन कर दिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए कर लेंगे प्री हीट, एंड तब तक ये देखिए हमारा आटा भी हो गया है रेडी काफ़ी अच्छा। तो इसकी हम रेडी करते हैं लिट्टियाँ, गोल गोल सी बनाना, तब तक हमारा कुकर हो जाएगा प्री हीट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी लिट्टियाँ बनाना, एंड आई थिंक इतना साइज बहुत है, इसको बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रफ भी रहेगा तो चलेगा। तो ये देखिए यही साइज रखेंगे, जिससे कि जब कपिल खाए तो वो बोले मैंने 4 खाया है, सॉरी वो 8 खाए, 4 तो बड़ी बड़ी खाता ना। पीछे से कपिल सुन रहे हैं मेरी बातें, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ सकते, उन्होंने 4 दिन से नहाया नहीं है। तो अभी ऐसे से करके हम सारी लिट्टियों, मतलब सारे जो भी हमारा आटा है उसकी हम लिट्टियाँ बना के रख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे उसको कुकर में डालूंगी। बहुत गर्मी लग रही है गाइज। मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लिट्टी तो मैं दिखा रही हूँ, ये अभी मुझे ये लिट्टियाँ गोल करते करते ना एक चीज़ ये ध्यान आया कि ये सारी कपिल की चालाकी है। एक्चुअली कल ये डिसाइड हुआ था कि आटा वगैरह मैं लगा दूंगी, बाकी कपिल बनाएंगे, मुझे आज अपनी अलमीरा सेट करनी थी, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे सुबह उठते ही बोलते हैं कि गोलू तुम बनाओ जाके लिट्टी चोखा और ब्लॉग बना के डाल दो, सबके साथ शेयर करो। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैंने 2-4 दिन से कोई वीडियो नहीं शेयर नहीं की है तो बना लेते हैं। बट ये इनकी चालाकी थी कि मैं अकेले बनाऊं, ये वहां बैठे आराम से, ये देखिए आए झूठे हाथ लगाने। चलिए कोई नहीं, आप ये देखिए हमने लिट्टियां अपनी कर ली हैं गोल गोल गोल। तो इन्हें अब हम, ये हमारा कुकर भी गर्म हो गया है, तो इन्हें अब हम डाल देंगे डायरेक्ट कुकर में ही। तो पहले मैं डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माय गॉड। और एक्चुअली मैंने प्लेन लिट्टियाँ ही बनाई है, हमारे एक्चुअली किसी को स्टफ्ड पसंद ही नहीं है, ना मुझे, ना आद्या को, ना कपिल को, किसी को नहीं। तो अच्छी बात है, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, तो पसंद ही नहीं है, यही बोल दूं सीधे सीधे। तो ये सारी हम किसी तरह इसमें ठूस ठास के एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो सारी चली गई है, तो ये आपको दिख रही होंगी। और इसको हम, इसे हम कवर कर देंगे सीटी की निकाल के, क्योंकि इसमें प्रेशर कुकर तो भले है, बट इसको प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो इसको हम धीमी आंच पे 10-10 मिनट बाद इसको पलटते जाएंगे कि एक ही तरफ ना हो, चारों तरफ से पकानी है। तो वो आगे का जो भी धीरे 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 वाला प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तब तक आप कपिल पे फोकस करिए। वो मैंने सब करके रख दिया तो वो झूठ मूठ आ गए हाथ लगाने। तो चलिए देखते हैं कि ये तो चलिए। और वैसे भी गाइस, तब से कपिल मेरे पीछे पड़े हैं, बिहाइंड द सीन कहिए तो मैं अपलोड कर दूं, इतनी देर से मेरे पीछे पड़े हैं कि अरे मुझे भी बनाने दो, मुझे करने दो, चोखा मैं बनाऊंगा, चोखा मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लिट्टी मैंने कर दिया है, बाकी चटनी एंड चोखा आप बनाइए। आप लोगों को तो पता है मेरा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, सबको पता। सो अभी ये टमाटर कपिल ने मैश कर दिया इसी स्पून की हेल्प से, एंड अभी इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ने वाली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमारा आलू बैगन भी ठंडा हो चुका है, जिसमें बैगन गायब हो गया, उसकी बीज ही दिख रही है मुझे तो, नहीं बैगन भी है थोड़ा बहुत। तो चलिए इसका चटनी एंड चोखा हम रेडी करते हैं फटाफट से। सो अभी यहाँ पे हम आलू एंड बैगन को मैश कर रहे हैं, हम नहीं कपिल कर रहा, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत काम करा लिया इसने आज मुझसे। तो हमारे बैगन एंड टमाटर, सॉरी आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अभी हमने उसमें ऐड कर दिया एकदम फाइनली चॉप्ड प्याज, हरी मिर्ची, धनिया एंड लहसुन, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। और थोड़ा सा नॉर्मल नमक। गाइस मैं बोलने में इतनी तेज हूँ, और ये इधर आप कपिल को देखिए, इनका हाथ इतनी धीरे चलता है। और थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा बोला है मैंने, थोड़ा ही डालिए प्लीज। ओ, और अभी हम इसमें ये डालेंगे, ये हमने उसी टमाटर को जो हमने बॉईल किया था थोड़ा सा अलग कर लिया था, जो कि हम इस चोखे में ऐड करेंगे, जो कपिल भूले जा रहे थे मैंने याद दिला दिया इनको। थैंक यू थैंक यू। बस ज़्यादा ना डालो भाई, सब मुझे ही सिखाना पड़ता है कपिल को, यही सब तो दिक्कत है।
टेक्सचर देख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, और कच्चा तेल कितना अच्छा दिख रहा है। अब बता दो, देखो सो अभी देखिए हमारा आलू एंड बैगन टमाटर का चोखा हो गया रेडी, जो कि देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा होगा क्योंकि मैंने बॉईल किया था ना इसको। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्पेशल टमाटर की चटनी, तो उसके लिए इधर कपिल ने लच्छे वाले प्याज, लहसुन, मिर्ची एंड धनिया, इसे हम कर देंगे ऐड। बहुत हल्का सा सरसों, और इसमें भी बहुत हल्का सा सरसों का तेल डालेंगे, वो भी कच्चा। और इसमें हम ये डालेंगे अपना, दिखाना, ये हमारा मैजिक मसाला है, जो हमारा ही है एक्चुअली, जो कि हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, कॉपी किया है तो अपनी मम्मी मम्मी का। ओके, सिर्फ टेक्सचर, एंड ये थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थकाए दे रही है मुझे तब से फोन लिए लिए, और आधा नींबू का रस, बस उसकी हत्या ना करूं। मिलाएंगे हाथों से, दिस इज व्हाट इट इज। हाथ धोए भी थे तुम? सब साफ। मैं नहीं खाऊंगी गाइस अब ये चटनी, बस बस जो जो स्वाद आता है। हाँ बस करो भाई, बस करो, सारी मैल हाथ की आपकी साफ हो गई है, लंचा बन जाना। मैं नहीं बॉईल किया था, ठीक है, खाना भूल ना जाना। तो ये इधर हमारी टमाटर की भी स्पेशल चटनी हो गई है रेडी, इधर मेरी दाल भी रेडी हो गई है, जो कि दाल को थोड़ा गाढ़ी रखनी है बाटी के लिए। एंड दाल में हम बहुत ही सिंपल सा प्लेन तड़का लगाएंगे, सूखा मिर्चा, जीरा, हींग एंड घी का, दैट्स इट, नो प्याज टमाटर एंड एनीथिंग। सो गाइस अभी हम अपनी लिट्टी चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसको 15 मिनट तो हो ही गया है चढ़ाए हुए। तो ये देखिए ऊपर से इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है कि पहले ही, तो अभी नहीं नहीं कपिल अपना हाथ जलाने के लिए एकदम रेडी है। ये सब काम मैं नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ, आप लोग को पता ही है। तो इसे हम एक फोक की हेल्प से पलट देंगे, और इसको हर 5-5 मिनट पे क्या करना है, पलटते रहना है कि चारों तरफ से पक जाए, नहीं तो ये लाठी हो जाएगी। लाठी नहीं होगी, घी पड़ा है, मोइन लगा है, तो देखिए अभी हमने सारी लिट्टियाँ पलट दी हैं, और इसे अब हम फिर से कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे। अभी 15 मिनट्स हो गए हैं, एंड ये हमारी लिट्टी के हाल हैं, आप देखिए इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, एंड ये चिपकी नहीं हुई, मुझे तो लगा था कि मेहनत कर करके फोक से निकालना पड़ेगा, बट और आप देख रहे हैं ये देखिए इसमें क्रैक्स आना भी स्टार्ट हो गए। तो अभी हमने इसको पलट दिया है, एंड अगेन हम इसे 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। सो गाइस चलिए अभी हम चेक करते हैं अपनी लिट्टियाँ, एंड ये देखिए ये कम्प्लीटली कुक्ड हो गई हैं, आप देख रहे होंगे कि हर एक लिट्टी पर अच्छा खासा क्रैक पड़ गया है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारी थाली बनके हो गई है रेडी, और मैं एक चीज़ आप लोग को बताए दे रही हूँ कि कुकर में लिट्टियाँ बनती तो बहुत अच्छी है, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बट थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकन है, मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई अगर आप वैसे आग पे कंडी पे बना रहे हो तो फटाफट बनती है, इस पर थोड़ा टाइम लगता है जिससे कच्ची ना रह जाए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी थाली, उसके बाद मैं खा के बताती हूँ कैसी बनी है। तो ये रही हमारी, आप सबसे पहले आप हमारी लिट्टियाँ देखिए, सीरियसली ये देखिए अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से पकी हैं, एंड इनमें हमने थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया है, जितनी ये देखने में अच्छी आई होप ये खाने में उससे अच्छी होंगी। एंड ये रहा हमारा चोखा जो कि आलू बैगन टमाटर का है, ये हमारी दाल जिसमें मैंने तड़का मार लिया था, प्लेन ही मैंने आपको बताया ही था, एंड ये रही हमारी सबसे स्पेशल टमाटर की चटनी, इन्हें थोड़ा सा मैंने सैलड रख लिया है। तो चलिए अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। एंड गाइज हरी चटनी हम भूल गए बनाना, एक्चुअली बनानी थी हमें, बट अब भूल गई तो भूल गई, क्योंकि टाइम ऑलरेडी लंच का हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट, गर्म बहुत ज़्यादा है, और मुझे तो मुँह में, मतलब हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सीरियसली मतलब यार मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ मैं, इतनी सॉफ्ट और अच्छी लिट्टियाँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है चटनी एंड चोखा। दाल तो चलिए प्लेन है ही है पिछले, तो चलिए अब हमारी आ गई आद्या, जिनकी डिमांड पे आज ये बना है, तो हम आद्या को खिलाएंगे दाल से। आद्या बताए कि लिट्टी कैसी बनी है, कैसी है, मुँह से बोलो अच्छी है। तो गाइज आई मस्ट से अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको पसंद है लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, जो भी जहाँ बोला जाता है,
तो आप लोग एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बनी। हम पहले भी बना चुके हैं बट इस बार काफी टाइम बाद बनाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रेसिपी भी शेयर करते हैं और खा भी लेते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।